हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नबील और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एप्पल के बारे में। देखिए, एक रीज़न है जिसकी वजह से मुझे आईफोन जो है बहुत ज़्यादा पसंद आया। पहले मैं सोचता था, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं भी एक एंड्रॉयड यूज़र ही हूं, जब से मैंने स्मार्टफोन खरीदा है वो एंड्रॉयड ही था फर्स्ट स्मार्टफोन भी, और अब तक मैं एंड्रॉयड फ़ोन ही यूज़ करते आ रहा हूं। बट अब मैंने सोचा कि थोड़ा iOS का डिवाइस ट्राई करते हैं और डेफिनेटली मुझे बहुत पसंद आया डिवाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये आईफोन SE है, बाय द वे देखिए यहाँ पे SE लिखा हुआ है, 5S नहीं है ये। तो अभी बीच में जो अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे सेल चले थे जिसके अंदर ये फ़ोन्स की कीमत कम हुई थी, उसी सेल में मैंने इस फ़ोन को ख़रीदा है करीबन 18,000 रुपये की कीमत में। और डेफिनेटली ये यूज़ करने के बाद मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा आपको कि iOS रॉक्स, एप्पल रॉक्स। कितना भी हम चाहे बुराई कर ले, जब भी मैं एंड्रॉयड यूज़र था तो मैं भी बुराई करता था एप्पल की, iOS की, कि क्या है उसमें, ये भी शेयर नहीं होता, वो भी शेयर नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हम बोलते थे कि कैमरा ऐप में अगर आप जाएंगे तो आप सेट नहीं कर सकते रेजोल्यूशन क्या है, ब्लूटूथ से आप शेयरिंग नहीं कर सकते। लेकिन सच में यूज़ करने के बाद अब ऐसा मुझे लगने लगा है, क्या मैं फिर से एंड्रॉयड पे जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। एंड्रॉयड फोन्स में यूज़ करूंगा डेफिनेटली, एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी उसमें जो है आप कस्टमाइजेशन वगैरह कर सकते हैं, लेकिन हमेशा एक एप्पल डिवाइस में यूज़ करूंगा अपने लाइफ में, ऐसा मैंने सोचा है। और एक रीज़न है इसके पीछे, देखिए हमको जब भी एंड्रॉयड में अपडेट्स आते हैं हमको वो मिलते ही नहीं, हम फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं काफ़ी टाइम तक हमको फ्रस्ट्रेट होना रहता है। उसके बाद शायद अगर मैन्युफैक्चरर की मेहरबानी होगी, सैमसंग या कुछ भी आप यूज़ करते हो उनकी अगर मेहरबानी हुई आपके ऊपर, तो वो आपको वो सॉफ्टवेयर अपडेट देंगे। लेकिन एप्पल का ऐसा नहीं है। एक दो दिन पहले ही iOS 11.2 जो है वर्ल्ड ओवर लॉन्च हुआ और इंडिया में भी जो iOS यूज़र्स है उनको मिल गया। देखिए यहाँ मेरा फ़ोन जो है 11.2, iOS 11.2 पे चल रहा है। ये आईफोन SE है लेकिन इसका जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, इसका जो UI है, इसका जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन है iOS का, वो उसी तरह है जैसे कि एप्पल आईफोन 10 में आपको मिल रहा है। देख सकते हैं आप ये कंट्रोल सेंटर, आपने अगर आईफोन 10 के वीडियोस देखे होंगे या आईफोन 8 के वीडियोस देखे होंगे, बिल्कुल इसी तरह वहाँ पे भी कंट्रोल सेंटर है। हार्डवेयर फीचर्स में कुछ चेंजेस है, जैसे कि कैमरा अलग होता है, उसमें होम की नहीं है, ये होम बटन नहीं है, बहुत सारे फ़र्क होते हैं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है आपको इमीडिएटली आपको सारे एप्पल के डिवाइसेस पे एक ही दिन में वर्ल्ड ओवर मिल जाएगा, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे तो एंड्रॉयड 1 जिन्होंने लिया है, MIUI 1, उस प्रोग्राम के अंदर भी उनको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मिला है, वो लोग भी तड़प रहे हैं कि भाई हमारा कब सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा। तो यहाँ पे iOS डिवाइस अगर आप लेते हैं तो आपको फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो है मिल जाएगा। अगर आप YouTube पे जाएंगे, iOS 11.2 सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं सारे जो बाहर के रिव्यूअर्स है, अमेरिका के रिव्यूअर्स है, उनको भी ये जो है एक दो दिन पहले ही मिला है और वो लोग भी इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो हम लोग भी इसके ऊपर चाहे तो वीडियो बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं iOS 11.2। तो ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो देते हैं एप्पल वाले, इनको मैं देना चाहूँगा थम्स अप, बिल्कुल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आप भी iOS कभी यूज़ करना चाहते हैं तो एक एंट्री लेवल iOS वाला फ़ोन, iOS डिवाइस आप लीजिए, आप यूज़ करके देखिए, आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। इसमें डुअल सिम नहीं है, इसमें आप SD कार्ड नहीं लगा सकते हो, लेकिन ये फ़ोन इतना अच्छा लगा मुझे, इतने अच्छे इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, सब एप्लीकेशन जो है वेल ऑप्टिमाइज्ड है, इसका कैमरा बहुत ही बेहतरीन है, हर चीज़ में ये फ़ोन मुझे बहुत बढ़िया लगा, हीट नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इस फ़ोन के अंदर। तो आप भी अगर लेना चाहेंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं इस फ़ोन को। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।